ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और वे उन पर दोष लगाएं। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें।